आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कहां भाग रही? तलाशी लो इसकी। ये हार है बच्चन जी इसके पास। महाराज के भरोसे में छुरा घोपने वाली, पता किसने दिया तुझे ये हार? क्या था इस हार में? क्या मिलाया था तूने दूध में? मैं पूछता हूं, क्या मिलाया था तूने दूध में? बोल। तेरा मौन तुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता। मरोगी, अवश्य मरोगी तुम। किंतु यह मृत्यु इतनी सरल नहीं होगी। मरने से पहले इसे बताना होगा कि ऐसा इसने किसके कहने पर किया, अन्यथा यातनाओं का ऐसा सामना करना होगा इसकी आत्मा इसके तन से नफरत करने लगेगी। ले जाओ इसे। सैनिक इधर आओ। जी महामंत्री जी। महारानी, आपके लिए दूध लाई हूँ। आपके लिए दूध लाई हूँ। Thank you.
महारानी। क्या हुआ लतिका, सब ठीक तो है ना? महारानी, कन्नौज से महारानी रूपसुंदरी का कोई संदेशवाहक आया है, तुरंत आपसे मिलना चाहता है। संदेशवाहक? और इस समय? चलो। महारानी को राजमाता की सेवक जगत सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए जगत सिंह, क्या बात है? हमारी बहन कुशल मंगल तो है ना? राजमाता तो कुशल है महारानी, पर उन्होंने संदेश भेजा है कि आप चुप क्यों हो गए? जो भी बात है खुल के कहिए। उन्होंने कहा कि कोई शत्रु है जो ये नहीं चाहता कि अजमेर का उत्तराधिकारी जन्मे। आपके बच्चे को मारने के लिए यहां जहर भेजा गया है। जो हो सकता है आपको दूध में मिलाकर पिलाया जाए। महल के द्वार बंद कर दो, कोई बाहर जाने ना पाए। धनपाल, किसी नपुंसक शत्रु ने हमारी पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास किया है। महल का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे स्त्री या पुरुष उसे तुरंत पकड़ लो। जाओ। ठहरो, बाहर जाना है मुझे, द्वार खोलो। नहीं, आदेश है किसी को भी बाहर जाने ना दिया जाए। महारानी जी के काम से जाना है मुझे। किसी को भी किसी काम से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। देख लूंगी मैं तुम्हें। सुनो, तुमने इधर से किसी को जाते हुए देखा है? नहीं तो मैंने किसी को नहीं देखा। रुको, तुम कहाँ जा रही? मैं महारानी के कक्ष में जा रही। महारानी के कक्ष में? पर महारानी का कक्ष तो इस तरफ है, इस तरफ तो बगीचा है। मैं बगीचे में सिर्फ महारानी के लिए मेहंदी की पत्तियां लाने जा रही। कहाँ भाग रही? तलाशी लो इसकी। ये हार है बच्चन जी इसके पास। महाराज के भरोसे में छुरा घोपने वाली, पता किसने दिया तुझे ये हार? क्या था इस हार में? क्या मिलाया था तूने दूध में? मैं पूछता हूं, क्या मिलाया था तूने दूध में? बोल। तेरा मौन तुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता। मरोगी,
अवश्य मरोगे तुम। किंतु यह मृत्यु इतनी सरल नहीं होगी। मरने से पहले इसे बताना होगा कि ऐसा इसने किसके कहने पर किया, अन्यथा यातनाओं का ऐसा सामना करना होगा इसकी आत्मा इसके तन से नफरत करने लगेगी। ले जाओ इसे। बेटा, नादान लड़की, ये क्या किया तूने? क्यों किया? राजवैद को बुलाओ जल्दी जल्दी। बेटा देखो, अब भी समय है तुम्हारे पास। कहते हैं मरते समय आदमी अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देता है। जिस व्यक्ति को तुम बचाना चाहती हो यदि उसका नाम ले दोगी तो बेला अजमेर की धरती तुम्हें अपना ऋण मुक्त कर देगी। बताओ बेला, उसका नाम बताओ। कौन है वो? कौन है वो? बोलो बेला। बेला तुम नहीं मर सकती। बेला कौन है वो जिसके लिए इसने मृत्यु को गले लगा लिया? कौन है वो? क्या हुआ वैजी, आप कुछ कह नहीं रहे? महारानी ठीक तो है? विष के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे महाराज, परंतु रोग भी समझ में नहीं आ रहा है। जी आप क्या कह रहे हैं वैजी? कुछ कीजिए, कोई तो इलाज होगा। मैं आपके लिए राजकोष के द्वार खोल दूंगा, आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, आप कुछ तो कीजिए। महाराज जब रोग समझ में ना आए तो संजीवनी लेप ही एकमात्र औषधि रह जाती है, परंतु महाराज इतने कम रक्तचाप में यह औषधि काम करेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता महाराज। महाराज परंतु आप चिंता ना करें, मैं पुनः प्रयास करूंगा और मुझे पूरी आशा है कि नाड़ी अवश्य संभल जाएगी। महाराज मैं कुछ करता हूं, आइए। उठिए महारानी, आके खोलिए, एक क्षण के लिए हमारी तरफ देखिए। ये आपने अपना क्या हाल बना लिया, सारा श्रृंगार बिखर गया। क्यों हमारा दिल दुखा रही? आप जानती हैं आपका क्षण भर का मोल हमारी सांसें रोक देता है। उठिए महारानी, आके खोलिए, उठिए महारानी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। महाराज धीरज रखिए, यदि आप इस तरह से अपना धैर्य खो देंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता ना करें, महारानी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। महाराज आइए। महाराज मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया है, अब इसके आगे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। महाराज क्या चाहती है मां? स्वयं ही खुशियां देखकर स्वयं ही छीन लेना चाहती है? आप किया तेरे इस बेटे ने जो हमारी आस्था का ये फल दे रही है? रात दिन एक एक सांस एक एक पल तेरा नाम लेके जिए हम। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे दंड दे मां, उन दोनों को कुछ मत करना मां, बच्चे को ताजू में मत तोलना मां। Oh,
कि अजमेर का शत्रु यह कन्नौज में हमारी ही पलकों के नीचे पल रहा है। हमारी चिंता तो यह है बेटा कि वो घुड़सवार समय पर पहुंचकर उन्हें सूचना दे दे। घुड़सवार ने तो पूरी कोशिश की होगी राजमाता, परंतु धोखे के हजार पैर होते हैं, हवा से भी तेज चलता है वो। ऐसा मत कहो बेटा, आस्था को इतना कम मत आंको। आस्था है तो ईश्वर है, और आस्था तो ईश्वर को भी पृथ्वी पर ला सकती है। क्षमा कर दो माँ, परंतु जब आत्मा दुखी हो जाए ना तो करवाट आ ही जाती है। किसको भेजा था आपने संदेश लेकर? जगत सिंह को। जगत सिंह? उसके जैसा दूसरा घुड़सवार नहीं है कन्नौज में। अब अगर भगवान चाहे तो महारानी को कुछ नहीं होगा, परंतु कोई क्यों मानना चाहेगा उनको? उनको नहीं, तुम्हारे भाई को, आठ माह का गर्भ है कमलावती को। हाँ माँ, खुशियां आए भी तो दुख की काली चादर होकर। आपने याद किया महाराज? काका जी, कहाँ थे आप अब तक? जानते हैं महारानी कमलावती के लिए विष भेजा गया है कन्नौज से। जी हाँ, हमें महामंत्री से पता चला। पता नहीं कौन है वो जो हमें कलंकित करना चाहता है। काका जी, आपको सिर्फ अपने ऊपर लगने वाले कलंक की चिंता है? ये सोचकर आपको दुख नहीं होता कि कोई नाग हमारे अपनों को डस लेना चाहता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? हमारा तो जीवन ही सुख दुख की गणना में व्यतीत हो रहा है। जैसे ही हम अपने हिस्से के सुख समेटने लगते हैं, दुखों का अंबार लग जाता है। आप और आपकी बातें। काका जी, ये समय बातें करने का नहीं है। आप जाइए और पता लगाइए कि विष किस वैद्य ने तैयार किया था। हम उस वैद्य का न्याय अपनी तलवार से करेंगे। महाराज के आदेश का पालन होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।